fear and resentment, continuous fear and resentment combined with sorrow, dukkh, resentment, भय और दुख, अगर ये फीलिंग लगातार चलती आ रही है तो वो किडनीज के ऊपर इफेक्ट करेंगे। अब आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मैं आपको बता रहा हूं। और कॉन्टिन्यूस रिसेंटमेंट एंड एंगर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, रिसेंटमेंट विद एंगर एंड सॉरो, ये कैंसर को पैदा करती है। किसको पैदा करती है? कैंसर को। बॉडी का जो है वो ऑर्गन्स काम करने बंद करते हैं। अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट आए जिसमें आप घबरा के हेल्पलेस फील करते हो, आप समझ रहे हो ना, कुछ ऐसे अनटूवर्ड्स इंसिडेंट आए जो बार बार आए जहां व्यक्ति हेल्पलेस फील करता है, तो ये ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है। जहां वो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस रिलीज होगी और उसके साथ शिव योग शक्ति को, कॉस्मिक एनर्जी को वापस आप लेकर के आओगे, तो वो बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हर जो बीमारी है, शिव योग ने इस चीज को प्रेजेंट किया था कई बरस पहले कि हर बीमारी का जो रूट कॉज है 100% इट इज साइकोसोमेटिक, या आपके इमोशन से हर बीमारी पैदा होती है। WHO इस चीज निष्कर्ष पे पहुंची कि 80% रूट कॉज हर बीमारी का साइकोसोमेटिक है। हमने 100% बहुत पहले बोल दिया था, अभी जो है वर्ल्ड हेल्थ 80% की बात कर रही है। तो यानी कि जो है आपने फिजिकल क्रियाएं सीखनी है, प्राण क्रियाएं सीखनी है, और साधना करते हुए जो इमोशनल फैक्टर्स, जो अपने अंदर जो दुख, घृणा, रिसेंटमेंट, वो एंगर, वो आपने रिलीज करना है। यू विल हैव टू रिलीज। जैसे जैसे उसको रिलीज करोगे वैसे वैसे आप स्वस्थ होने शुरू हो जाओगे।